मैंने टॉप करा है अपने कॉलेज में, सिक्योरिंग 9.89 CGPA एग्रीगेट। गोल्ड मेडल मिला? हाँ जी, गोल्ड मेडल मिला है बिकॉज अपने डिपार्टमेंट में टॉप करा है मैंने, और बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी जो फील्ड है वो बिहार में कहीं भी ऑफर नहीं होता है, सो इन अ वे स्टेट टॉपर कहना गलत नहीं होगा। सो या, बिहार टॉप माना जा सकता है? माना जा सकता है। इवेंचुअली मुझे रिसर्च में जाना है, जो कि एक ऑन्कोलॉजी है विच इज़ लाइक कैंसर रिलेटेड, उससे रिलेटेड ही रिसर्च में मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है। कितना मेहनत लगा है? हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, बहुत गालियाँ पड़ी हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा है और कहती रहूँगी। मम्मा ने बहुत गालियाँ दी हैं। टू बी ऑनेस्ट, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ईजिली अचीव नहीं होती है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि लाइक मेरे लक ने फेवर करा है। एक भी सेमेस्टर में ऐसा नहीं हुआ कि मैं कह सकूँ कि मेरे लक ने फेवर करा है, नहीं करा है। मैंने मतलब मैं कितनी रातों को मैंने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया है, पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करा है, मेरे फ्रेंड्स मैंने नहीं बनाए हैं, थे भी तो उन्हें बहुत टाइम तक सस्पेंशन पर रखा है कि अभी मैं बात नहीं कर सकती। मम्मी से गालियाँ पड़ी हैं बिकॉज वही सेम रिश्तेदार आ रहे हैं, तो मिलने क्यों नहीं जा रहे हो, क्या एम्बैरेसमेंट है, मिलो, कुछ करो, घर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। अब जैसे पब्लिक अटेंशन मैंने खोया 3 साल के लिए, फिर जो अभी अटेंशन मिल रहा है वो वर्थ इट है ना। अभी हम पटना के फुलवारी शरीफ में इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ हैं इरम वारसी, या जिनको वुमेन्स कॉलेज जो पटना यूनिवर्सिटी के अधीन है वहाँ से गोल्ड मेडल मिला है। किस क्षेत्र में मिला है और क्यों मिला है, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। सो जैसा कि आपने बोला, मुझे माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में बेसिकली मिला है, मैंने टॉप करा है अपने कॉलेज में, सिक्योरिंग 9.89 CGPA एग्रीगेट, और मेरा ग्रेड था ओ। दैट्स इट। गोल्ड मेडल मिला? हाँ जी, गोल्ड मेडल मिला है बिकॉज अपने डिपार्टमेंट में टॉप करा है मैंने, और बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी जो फील्ड है वो बिहार में कहीं भी ऑफर नहीं होता है, सो इन अ वे स्टेट टॉपर कहना गलत नहीं होगा। सो या, बिहार टॉप माना जा सकता है? माना जा सकता है। आगे क्या करना है? आगे फिलहाल तो अभी मैं लाइक करेंटली काम कर रही हूँ एक कॉर्पोरेट कंपनी के साथ, चंडीगढ़ में प्लेस्ड हूँ, तो अभी काम करते हुए मुझे 3 महीने हुए हैं, तो अभी कॉर्पोरेट से एसोसिएटेड हूँ, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो 3-4 साल तक मैंने सोचा है कि अभी मैं इसी पर्टिकुलर कंपनी को अपना टाइम दे दूँ, उससे जो सम कलेक्ट होगा उसको मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए यूज़ करने वाली हूँ, मास्टर्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली, और फिर इवेंचुअली मुझे रिसर्च में जाना है, जो कि एक ऑन्कोलॉजी है विच इज़ लाइक कैंसर रिलेटेड, उससे रिलेटेड ही रिसर्च में मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है। सो मेरा इवेंचुअली जो गोल होगा वो वही होगा कि कैंसर पेशेंट्स की कुछ हेल्प हो सके, इफ़ नॉट डायरेक्टली तो कुछ ट्रीटमेंट्स के थ्रू या कुछ भी, या फिर अगर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल भी हैं तो उन ट्रीटमेंट्स को इतना अफोर्डेबल बनाया जा सके सो दैट हर सिटीजन उसको अफोर्ड कर सके। कितना मेहनत लगा है? हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, बहुत गालियाँ पड़ी हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा है और कहती रहूँगी। मम्मा ने बहुत गालियाँ दी हैं बिकॉज ऑब्वियसली सोशली कट ऑफ होना पड़ता है आपको। टू बी ऑनेस्ट, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ईजिली अचीव नहीं होती है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि लाइक मेरे लक ने फेवर करा है। एक भी सेमेस्टर में ऐसा नहीं हुआ कि मैं कह सकूँ कि मेरे लक ने फेवर करा है, नहीं करा है। मैंने मतलब मैं कितनी रातों को मैंने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया है, पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करा है, मेरे फ्रेंड्स मैंने नहीं बनाए हैं, थे भी तो उन्हें बहुत टाइम तक सस्पेंशन पर रखा है कि अभी मैं बात नहीं कर सकती, तो ये सारे सैक्रिफाइसेस पर्सनल लेवल पे हुए हैं। मम्मी से गालियाँ पड़ी हैं बिकॉज वही सेम रिश्तेदार आ रहे हैं, तो मिलने क्यों नहीं जा रहे हो, क्या एम्बैरेसमेंट है, मिलो, कुछ करो, घर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो वो सारा थोड़ा गोल्ड मेडल के लिए त्यागी बनना पड़ेगा, हर चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से तो जैसा मेरा चलता है, ऑल दो बहुत सारे लोग हैं जो मैनेज कर पाते हैं सोशल लाइफ को भी और अपने एकेडमिक लाइफ को भी, मेरे से नहीं हो पाता ऑब्वियसली बिकॉज मेरे हिसाब से कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है, और वैसे भी ये जो चीज़ आप खो रहे हो वो बहुत टेम्प्ररी है, इवेंचुअली जो चीज़ आप खो रहे होते हो वो बाद में जिस फॉर्म में आ रहा होता है। अब जैसे पब्लिक अटेंशन मैंने खोया 3 साल के लिए, फिर जो अभी अटेंशन मिल रहा है वो वर्थ इट है ना। सो हाँ, अब क्या करना है? अब जिन लोगों को पेंडिंग में रखा था उन लोगों से बातचीत हो रही है? हाँ, हो रही है हो रही है। अब तो मैं मस्ती कर रही हूँ चंडीगढ़ जाके। हाँ, बहुत प्यारी जगह है, सो आई एम जस्ट ग्लैड कि पहला एक्सपोजर जो मेरा कॉर्पोरेट में था, जो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं करूँगी, तो इट्स अ ब्यूटीफुल कंपनी, ब्यूटीफुल जगह है, और रिस्पेक्ट मिलती है काफ़ी, और आप इतने रेनाउंड इंस्टीट्यूशन से जाते हो तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, और उसका इम्पैक्ट दिखता है। मतलब इसका क्रेडिट ऑब्वियसली मेरे कॉलेज को भी जाएगा। मतलब आप जाते हो एज अ गर्ल, यू एमर्ज आउट एज अ वूमन, आप एक एजुकेटेड औरत की तरह बाहर आते हो, एक वूमन महिला की तरह, सो ये क्रेडिट भी जाता है लाइक मेरे कॉलेज। वुमेन्स कॉलेज मोमो बर्गर पिज्जा के लिए बदनाम है।
हाँ हाँ बिल्कुल सही बदनाम है, पानी पूरी भी भूल रहे हैं आप। तो हमने भी बहुत यू नो लाइक खाया है टिफिन विफिन छोड़ के प्रॉपर बाहर का पानी पूरी एंड मोमोज, क्योंकि रिसर्च काम की वजह पर्पस की वजह से हमें काफ़ी देर तक रुकना पड़ता था। लाइक बहुत बार ही ऐसा भी हुआ है कि मैं 5:30 बजे भी आई हूँ कॉलेज से वापस घर। तो हाँ उस केसेस में बर्गर अंदर में मॉन्गेनीज भी है, सो बहुत सारे थोड़ा कम करना पड़ा था गोल्ड मेडल के लिए, या फिर चलते रहा गोल्ड मेडल आ गया। नहीं इन्जॉय मैंने बिल्कुल नहीं करा है, बिल्कुल भी नहीं करा है, मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस करे, मैंने तो बहुत करे हैं। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड में मेरी फैमिली काफ़ी एडुकेटेड है, इफ़ लाइक नॉट तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मेरे भैया भी दीदी भी दे लाइक ऑल वेरी मच इन टू अकेडमिक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि पढ़ो और अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब मत करो। तो ऑब्वियसली ये माहौल था, अगर मेरी मम्मा मेरे को प्रमोट नहीं कर रही होती कि नहीं छोड़ो ये सब किचन के काम में ध्यान दो, विच आई डू नॉट कंसिडर कि वो अनइम्पॉर्टेंट है, आई बिलीव आपको सबको जाना चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको घर के काम नहीं आने चाहिए, बैलेंस करो, सो दैट बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट्स द थिंग। पिताजी आपके नहीं? हाँ जी पिताजी मेरे बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे को लगता है कि ये जो मोटिवेशन मेरे को मिला है कि घर में मेडल्स कलेक्ट करने हैं सर्टिफिकेट्स लाना है और इससे खुशी मिलती है पेरेंट को, तो वो आई थिंक अभी वो होते तो ज़्यादा खुश होते, उनकी आंखों में वो जो चमक होती है, आई थिंक आई एम मिसिंग दैट अलॉट, बट कोई बात नहीं, आई एम ग्लैड मम्मा है मामा है, सो आई एम स्टिल ब्लेस्ड। अपने मामू के साथ रहती है? मामू क्या अभी छुट्टियों में आई हूँ क्योंकि मैं अभी क्योंकि चंडीगढ़ थी तो लीव लेके आई हूँ ऑफकोर्स, तो अभी मामू है सबके साथ पार्टी वार्टी चल रही है, जो मैंने बताया था पहले जो सोशल गैदरिंग मिस करी वो अभी कोप अप कर रही हूँ। हाँ जी मामू है यहाँ पे, कैसा लग रहा है आज आप? बहुत शानदार लग रहा है, और शुरू से पढ़ने लिखने वाली लड़की है और काफ़ी स्टूडियस है पढ़ने में, हम जब भी इसको देखा मिलने के लिए गया थे पढ़ रही है, पढ़ कभी कभी हम डांटते भी थे कि और भी लाइफ है कि नहीं है पढ़ाई के अलावा, लेकिन इसका होप था इसकी मेहनत जो है इसको रंग लई, हम लोग का जो कॉपरेट रहा करते रहे मोटिवेट करते रहे पढ़ो पढ़ो, तो गोल्ड मेडल लाई तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। इरम वारसी की मम्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है आज, आप कितने खुश हैं? हाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत पावरफुल कर रहे हैं कि मेरी बेटी आज गोल्ड मेडल लेके आई, इसकी मेहनत थी कि वजह से उसको ये मिला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबोरियस है, बचपन से वन क्लास से ही टॉपर रही है, सर जब सुनती पढ़ी तो वन क्लास से ही टॉप करती आ रही है, तो अभी भी किया तो हमको कोई ये नहीं जानते कि उतनी मेहनत ही है वो कर सकती है। कि शादी अटेंड नहीं किए, किसी पार्टी में नहीं गए, किसी फ्रेंड दोस्त नहीं बनाए, बहुत ही जरूरत थी, अपने सारे दोस्तों से कर चुकी थी दम, इसलिए उसको हम डांटते भी थे कि पढ़ाई के चले तुम इतना ज़्यादा अपने आप को, अब गाली क्यों दे गाली मतलब डांटते थे इसको कि मतलब तुम इतनी ज़्यादा रिजर्व का है, थोड़ा फैमिली में आए थोड़ा अपना मिलो जुलो बातचीत भी करो, थोड़ा माइंड को फ्रेश करो, थोड़ा घूमो, घूमना फिरना कुछ भी नहीं, सब एकदम बिल्कुल बंद। खाना बनाने में कुछ मदद मिलता था? कभी कभी मूड हुआ तो जब डांटा होता तो हाँ जब डांटा होता तो फिर खाना बना लेती थी कभी कभी, वही बहुत मुश्किल से जब एग्ज़ाम उग्जाम हो गया एक दो दिन के बीच में गैप रहा, तो अभी क्या सपना है अब आगे तो आपको बताएंगे क्या सपना, आगे पढ़ना उनको रिसर्च करना उनको, हाँ मास्टर्स करना है अभी, अभी तो जॉब में उनका दिल बहुत ज़्यादा लग गया है वहाँ। तो आप एक मम्मी है तो आपका सपनों का शादी ब्याह करें? हाँ तो हाँ अभी वही है, अभी मेरा सपना वही है, मामा का मम्मी का वही सपना है कि जल्दी जल्दी उनको शादी कर दें, बस अगले साल इसी साल नवंबर तक इंशाल्लाह। हाँ चलिए, तो फुलवारी शरीफ में हम इस वक्त मौजूद हैं, इरम वारसी हमारे साथ हैं, इनको आज पटना विश्वविद्यालय के वुमेन्स कॉलेज में गोल्ड मेडल मिला है, परिवार में खुशी का माहौल है, बहुत कुछ त्यागने के बाद ये गोल्ड मेडल इनको हासिल हुआ है।